Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Bless you, King of glory. 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 Bless you, bless you. Hallelujah. Hallelujah. Awaaz aa rahi hai? Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. मुझे एक बेटर फोन चाहिए प्लीज उसके लिए भी प्रार्थना करें और एक बेटर लैपटॉप ताकि अभी तक प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ काइंडली प्रार्थना कीजिएगा हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें फादर इन द होली नेम दैट इज अबव एवरी नेम द नेम ऑफ यहोशुआ हमशियाह फादर वी बाउ द नीज ऑफ आवर हार्ट And we pray that your precious presence will brood upon us. Your holy anointing. Lord, we pray for your sacred touch from heaven. Lord, as we delve deeper to know the real truth. Father, to experience the light. The adversary doesn't just want. Father, I pray that the blood will cover this telecast. And people will understand. The very foundation of false religions of the world. Babylon, the mother of all the harlots. Hallelujah. Tere bhed ko khol khudavan logon ke upar. Yeshu Masih tere jalali naam mein is prarthana ko mangte hain. Amen. Hallelujah. Main aapse baat kar raha hoon mystery Babylon ki. Aur main kal aapko bata raha tha ki Babylon jo hai, It began with Nimrod. Nimrod से Nimrod और वहां पर लिखा है Genesis chapter number 10 में Nimrod began to be a mighty hunter. जो word began है Hebrew में वो word है खला खला जिसका मतलब है कि Nimrod ने अपने body के संग कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया लाइक एपिजेनेटिक्स ही चेंज्ड द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ हिज डीएनए ही रीसीक्वेंस्ड हिज डीएनए सो ही रिमेन्ड पार्टली ह्यूमन एंड पार्टली जायंट वहां से ये सारे फॉल्स धर्म शुरू हुए हैं बाबेल का मतलब अकेडियन और दो लैंग्वेजेस का वर्ड है अकेडियन इट इज द गेट To gods, and then Babel also means confusion. पूरी दुनिया में जो confusion adversary ने create किया और कल मैं आपको बता रहा था पिछले sessions में हमने देखा कि कैसे Roman Catholic Church मैंने कल आपको बताया एक pagan Rome है और एक papal Rome है दो branches हैं जो pagan Rome है उसके राजा थे कैसर और जो पेपल रोम है उसका राजा है पोप पेगन रोम पॉलिटिकल आर्म है पेपल रोम ओवर आर्चिंग आर्म है मजहबी रिलीजियस विंग पेपल रोम यूज टू कंट्रोल इवन द पेगन रोम तो दोनों पेपल रोम और पेगन रोम कैसर्स हो मैंने कल आपको बताया कैसरों ने परमेश्वर के लोगों को मारा है कैसरों ने यह कहा था रोम इज एन इटर्नल सिटी और मैंने आपको बताया ये सिटी है आफ्टर गॉडेस यूरोपा जो सात पहाड़ों के ऊपर बैठी हुई है यूरोपा ये गॉडेस की पूजा है और इन लोगों ने जो पेगन रोम है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया बहुत से मसीहों को 300 सेंचुरी तक मारते रहे भूखे शेरों के आगे डालते रहे उबलते हुए तेल के अंदर फेंक देते थे उनकी बॉडीज को ग्लैडिएटर मूवी आप देखिए आपस में लड़वाते थे मसीहों को और
नीरो जो था वो मसीहों की बॉडीज को बांध के, दोनों की पीठ बांध के ऐसे उसके ऊपर टार डाल देता था बॉडी पे, उनकी बॉडी को आग लगवा देता था, पार्क में बैठ के ऑर्जीज करता था, जश्न मनाता था मसीहों के जलते हुए बदन की रोशनी में। इसीलिए पतरस कहता है विपत्तियों का, पंजाबी में लिखा लांबू, द फायरी ट्रायल दैट इज टू ट्राई यू। ये जो फायरी ट्रायल है ये वही था नीरो जो परमेश्वर के लोगों को जिंदा जलाता था। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 2 से 3 लाख के करीब, अगर आप एक पुस्तक पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू परसिक्यूशन, 2 से 3 लाख के करीब मसीहों को पेगन रोम ने मारा है और 11 लाख से ज्यादा ज्यूइश लोगों को, यहूदियों को रोम ने मारा है। किसने? पेगन रोम ने, कैसरों ने मारा है 11 लाख से ज्यादा। जोसीफस की पुस्तक पढ़िएगा, जोसीफस एंटिक्विटीज, जोसीफस की पुस्तक वॉल्यूम नंबर 2, 70 AD में उसने लिखी। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ जीसस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्यूइश हिस्टोरियन, वो लिखता है अपनी पुस्तक में। 70 AD में टाइटस फ्लेबियस ने फिर से ज्यूइश टेम्पल को आग लगा दी, जला दिया और यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया और यहूदियों का दमन किया, उन्हें मारने की कोशिश की। और उसके बाद फिर 132 से 135 AD में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसे बार कोकवा रिवोल्ट कहते हैं। फिर उन्होंने टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया और हजारों हजारों यहूदियों को मारा। तो मैंने आपको बताया साइमन बार कोकबा, साइमन द जेलट, वो एक ऐसा शूरवीर यहूदी था जिसने 2 से 3 लाख फौजियों की सेना खड़ी कर ली और रोम को उसने चुनौती दी, यहां तक कि रोमी शासक उससे पंगा लेने से डरने लगे। वो इतना बड़ा शूरवीर था, मैंने उसका अध्ययन किया है कि वो उसके हाथ जो थे, हाथ इतने बड़े थे, ताकतवर, शक्तिशाली, वो घोड़े पे दौड़ता था बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से, और अपने दो हाथ से पेड़ के स्टम को पकड़ के उखाड़ के ले जाता था, इतना बड़ा शूरवीर था। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने इन्हें लिबरेट भी किया कुछ समय, लेकिन उन्होंने उसका दमन किया, उस रिवोल्ट का। तो पेगन रोम ने बहुत से यहूदियों को, बहुत से मसीहों को मारा, उनके खून से मसीहत की नींव डाली है। पेपल रोम जो है, पेपल रोम क्या कहता है? पेगन रोम कहता है रोम इज इटर्नल सिटी, पेपल रोम कहता है वन ट्रू चर्च, द ओनली वन ट्रू चर्च इज द रोमन कैथोलिक चर्च। तो इन्होंने क्या किया, मैंने कल आपको बताया, स्पेन में से 1492 AD, हिस्ट्री पढ़े, स्पेन में 1492 में जितने ज्यूइश लोग रहते थे सबको इन्होंने मारा, सबके घरों को लूटा, सबको घरों से बेघर किया और उन्हें पूरे स्पेन में से निकाल दिया, दे किक देम आउट। आप पढ़िएगा, रिसर्च कीजिए, पोग्रॉम्स कहते हैं उसे, POGROMS, पोग्रॉम्स। इसे रोमन कैथोलिक चर्च ने इनिशिएट किया क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च यीशु मसीह का हत्यारा मानती थी यहूदियों को, जबकि वो अपनों के पास आया, वो उसके अपने हैं, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उसने कहा सामरी स्त्री से, सालवेशन इज ऑफ द ज्यूज। उसके प्रेरित पौलुस ने रोमियों की पत्री 9 अध्याय, रोमियों की पत्री 11 अध्याय में कितनी अद्भुत बातें लिखी। रोमियो 9:2 में वो कहता है ये जो हैं ये हमारे पुरखे हैं यहूदी लोग, इन्हीं को परमेश्वर ने वाचाएं दी हैं, इन्हीं के संग वाचा है, पृथ्वी की किसी कौम, पृथ्वी की किसी जाति, पृथ्वी की किसी नस्ल के संग वाचा नहीं है परमेश्वर की, केवल यहूदी लोगों के साथ। इनको उसने वाचाएं दी, इन्हीं को उसने प्रतिज्ञाएं दी, प्रॉमिसेस दिए, इन्हीं को महिमा दी है, इन्हीं को, इसराइल को, इसराइल को ही परमेश्वर ने अपना मंदिर दिया, इसराइल को ही परमेश्वर ने दिखाया यहोवा का मंदिर स्वर्ग में कैसा है, परमेश्वर यहोवा के भवन में, मंदिर में कैसे उसकी उपासना करनी है, कैसे उसकी परस्तिश करनी है, कैसे उसकी प्रजा बन के जीना है। ये सारे रहस्य मूसा की 5 पुस्तकों में परमेश्वर ने यहूदियों को ही दिए। लेपालकपन का आत्मा, लेपालकपन सन्स, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, गोद लेके पालना, ये आत्मा परमेश्वर ने उंडेला केवल यहूदियों के ऊपर।
पुरखे उनके हैं, सारे पुरखे बाइबल में से आदम से लेके सब उनके हैं। आगे आ जाइए, आदम को अगर आप नहीं मानते, इब्राहिम से आगे चलिए, सब पुरखे किनके हैं? यहूदियों के हैं, इसराइलियों के हैं, प्रेरित उनके हैं, नबी उनके पास भेजेगी, जशाया, जिर्मिया, उबदाया, जोना, मीका, नहूम, हबक्कुक, मलक्की, दानियल, इजिकियल, जिर्मिया, सपनाया, जकराया, सब के सब श्रेष्ठ नबी यहोवा ने इन्हीं के पास भेजे। हालेलुया। आपको मालूम, जिर्मिया नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 31 वचन पढ़े, प्रभु यहोवा ने पहली वाचा भी इसराइल के साथ बांधी। प्रभु यहोवा जिर्मिया नबी की पुस्तक में प्रतिज्ञा करके कहता है, मैं नई वाचा, ब्रिट हादशा, हिब्रू वर्ड है ब्रिट हादशा, जिसका मतलब है रिन्यूड कवनेंट, वो भी मैं इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, मैं यहूदा के साथ बांधूंगा और इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। पृथ्वी की किसी कौम के साथ, किसी राष्ट्र, किसी मुल्क के साथ, किसी देश के साथ, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति के साथ परमेश्वर की कोई वाचा नहीं है। इनफैक्ट जब बाबुल का बुर्ज बन रहा है, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, वहाँ पे परमेश्वर पृथ्वी की कौमों को डिवोर्स देता है, त्याग पत्र देता है। 11 अध्याय उत्पत्ति में, 12 अध्याय उत्पत्ति में वो एक व्यक्ति को चुनता है जिसका नाम अब्राम है। उत्पत्ति 12 अध्याय के बाद मलाकी नबी तक पूरी बाइबल यहूदी लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप ये रहस्य नहीं पकड़ समझ पाएंगे तो आपके अंदर है एंटी सेमिटिज्म की टीचिंग, आप शिकार हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के। ये इवेंजेलिकल लोगों की सटैनिक टीचिंग है जो ये सिखाती है कि कलीसिया ने इसराइल को रिप्लेस कर दिया। एक प्रीचर जो सवालों के जवाब देता है ना ऑनलाइन, वो भी ये शिक्षा दे रहा है लोगों को। ये शैतानी शिक्षा है, ये फॉल्स टीचिंग ही नहीं है, इट्स अ डेमोनिक टीचिंग, डिडास्कलिया डायमोनियन, बद्रुओं की शिक्षा है ये। तो भाई और बहनों, रोमन कैथोलिक चर्च ने पोग्रोम्स, POGROMS, पोग्रोम्स का अध्ययन करें, इंटरनेट पे डालें पोग्रोम्स, कैसे यहूदी लोगों को पूरे यूरोप से निकाला गया, घरों से निकाला गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, घरों को जला दिया गया, उनको निकाल दिया गया। इसलिए जूश लोगों ने, आपको मालूम, कोलंबस से रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए एक सेफ हेवन ढूंढ। कोलंबस वॉयजर था, समुद्री जहाजों में बैठ के दुनिया घूमता था। तो यहोवा का आत्मा कोलंबस को कहाँ ले गया? उसने सोचा ये इंडिया है, लेकिन वो अमेरिका है जहाँ उसे ले गया। वहाँ पे रेड इंडियन भी मिले, वो रेड इंडियन आपको मालूम कौन है? वो इसराइल के खोए हुए गोत्र हैं। अमेरिका की फाउंडेशन जब डाली गई, जब कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, अमेरिका की खोज ही हुई है इसराइलियों के लिए, ताकि इसराइलियों को मॉडर्न टाइम्स में रहने के लिए एक सुरक्षित देश मिले। और आपको मालूम, अमेरिका के सबसे रिच लोग, अमेरिका की जो कोर फाउंडेशंस हैं, वो हैं यहूदी लोग। यहूदी लोगों को वो देश दिया। और आपको मालूम, अमेरिका ने यहूदियों की रक्षा की, अमेरिका यहूदियों के संग खड़ा हुआ। परमेश्वर ने कुछ ही सेंचुरी में अमेरिका को उठा के वर्ल्ड पावर बना दिया। जो इसराइल को बरकत देगा, उसे यहोवा बरकत देगा। जो इसराइल के विरुद्ध में खड़ा होगा, यहोवा उसके विरुद्ध लड़ेगा। जो इसराइल को श्राप देगा, उसे यहोवा श्राप देगा। आप स्पेनिश इंक्विजिशन के विषय में पढ़िए, स्पेनिश इंक्विजिशन, जो स्पेन में से लोगों को निकाला गया, रोमन कैथोलिक लोगों का इनिशिएटिव था। फिर पुर्तगाल में से 1497 AD में सब जूश लोगों को निकाल दिया गया, पुर्तगाल से, पुर्तगाल से। हजारों हजार हजारों गुना हजारों यहूदियों को मारा गया क्रूसेडर्स ने, ये भी रोमन कैथोलिक लोग थे, क्रूसेडर। और प्रोटेस्टेंट कौन है? हम लोग, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षा का प्रोटेस्ट किया। ऐसे लोगों को आपको मालूम पेड़ के साथ बांध देते थे और सूखी लकड़ियां चिन देते थे और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूं आपको, बहुत पेनफुल हिस्ट्री है। तो फॉल्स वर्ल्ड रिलीजन, जैसे ही कलीसिया चली जाएगी, रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, भाई और बहनों, यीशु मसीह वापस आ रहा है अपनी दुल्हन के लिए,
दुल्हन को उड़ा के ले जाएगा वो। उसके बाद दुनिया एकदम बदल जाएगी, सेकंड्स में दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि धरती के ऊपर परमेश्वर के धर्मी लोग ना रहेंगे, सच्चे लोग उड़ जाएंगे। ईसाई नहीं उड़ जाएंगे, केवल दुल्हन, वो दुल्हन जाएगी जिसने अपने आप को दूल्हा के लिए तैयार किया है, जिसके अंदर रोशनी जल रही है, जिसके अंदर रोशनी जल रही है, उस दुल्हन को दूल्हा ले जाएगा। और आपको मालूम, फॉल्स वर्ल्ड रिलीजन पृथ्वी के ऊपर शुरू हो जाएगा, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, हार्लट वर्ल्ड रिलीजन, वेश्या का विश्वव्यापी धर्म शुरू हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर, जैसे ही कलीसिया यहाँ से चली गई। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में से मैं आपके लिए कुछ पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एंड देयर केम वन ऑफ द सेवन एंजल्स व्हिच हैड सेवन वायल्स एंड टॉक्ड विद मी सेइंग अनटू मी कम हिदर आई विल शू अनटू दी द जजमेंट ऑफ द ग्रेट होर दैट सिटेथ अपॉन मैनी वाटर्स। सात आर्क एंजल में से एक आर्क एंजल मेरे पास आया, जिसके हाथ में कटोरे थे जजमेंट के, न्याय के, जो न्याय पृथ्वी पे उंडेला जाने वाला है। भाई और बहनों, बहुत ही गंभीर समय पृथ्वी पे आने वाला है, इसलिए तैयारी कीजिए, दुल्हन में आप काउंट किए जाएं और आप उड़ा लिए जाएं उस सताव के, उस घनघोर संताप के। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा समय कभी नहीं आया पृथ्वी पे। अगर वो दिन कम ना किए जाते, चुनिंदा लोगों के लिए वो दिन कम किए गए हैं, अगर कम ना होते कोई भी नहीं बचता। ऐसा संताप से भरा समय आने वाला है। एक दूत के हाथ में कटोरा है, जो कटोरे पृथ्वी पे उंडेले जा रहे हैं, ये परमेश्वर के क्रोध के कटोरे हैं। प्रकाशित वाक्य में तीन तरह का क्रोध है। प्रकाशित वाक्य में शैतान का क्रोध है, शैतान भी अपना क्रोध उंडेलता है। प्रकाशित वाक्य में मेमना अपना क्रोध उंडेलता है। द रॉथ ऑफ द लैम एंड द रॉथ ऑफ गॉड, रॉथ ऑफ गॉड, रॉथ ऑफ द लैम एंड रॉथ ऑफ द डेविल, तीन एंगर, तीन रॉथ पृथ्वी के ऊपर उतरेंगी। और आप सुनिए ध्यान से, परमेश्वर इस वेश्या का न्याय करने जा रहा है, इस वेश्या का, जिसने विश्वव्यापी धर्म चलाया है, इसका परमेश्वर न्याय कर रहा है। 17th चैप्टर में ये बहुत से पानियों पे बैठी। आपको मालूम, जहाँ टर्म आती है मैनी वाटर्स, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पीपल, ट्राइब्स, टंग्स, नेशंस, कल्चर्स। पीपल, टंग्स, ट्राइब, रेसेस, नेशंस, कल्चर, पृथ्वी की कौमें, पृथ्वी की जातियाँ, पृथ्वी के राष्ट्र, पृथ्वी की भाषाएँ, पृथ्वी के लोग, सब के अंदर इसकी सत्ता कायम है। हालेलुया। तो इसके लिए लिखा हुआ है होर, होर, और दूसरा वचन पढ़ें, विद होम द किंग्स ऑफ द अर्थ हैव कमिटेड फर्निकेशन। एक विशेष शब्द आपको बता रहा हूँ, ये वो वेश्या है जिसके साथ पृथ्वी के सब राजाओं ने व्यभिचार किया है। फर्निकेशन, एक वर्ड होता है अडल्ट्री, एक वर्ड होता है फर्निकेशन, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे वर्ड है फर्निकेशन, तो ये वर्ड है ग्रीक भाषा का। ग्रीक अगर स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस देखेंगे, G4203, जिसका मतलब है फर्निकेशन, कमिट फर्निकेशन, सेक्सुअल इमोरालिटी, फिगरेटिवली अनफेथफुल टू क्राइस्ट वाइल पोजिंग एज ट्रू फॉलोअर। स्ट्रॉन्ग ये लिखता है, स्ट्रॉन्ग कहता है कि ये जो फर्निकेशन है, व्यभिचार है, इसका मतलब है मूर्ति पूजा। और आगे वो एक्सप्लेन करता है, ये है सेक्सुअल इम्प्योरिटी, सेक्सुअल इमोरालिटी, फिगरेटिवली अनफेथफुल टू क्राइस्ट। जो मसीह के, मसीह पति है लेकिन मसीह के संग वफादार नहीं है, वो दूसरों के साथ व्यभिचार कर रही है, ऐसी दुल्हन, लेकिन दिखाती है कि मसीह की चेली है, दिखाती है ये दुल्हन कि मसीह की है, लेकिन व्यभिचार दूसरों के संग कर रही है। फॉल्स रिलीजन पोजिंग टू बी ट्रू, ये कौन है? और ये जो प्रकाशित वाक्य में दिखाई गई है, यही है जो मैं आपको तीन दिन से बता रहा हूं, मिस्ट्री बेबलॉन, दी रोमन कैथोलिक चर्च। जैसे डायना ऑफ द इफिशियंस, इफ्सियों की देवी डायना, प्रेरित पलूस, परमेश्वर का सच्चा संत, जब उस इलाके में गया, उसने उस बदरू को डांटा, वो बदरू थी भावी की। आपको मालूम ग्रीक में क्या वर्ड लिखा है? वो लड़की जिसके अंदर बदरू थी, वो प्रेरित पलूस की और साइलस की, और लूक भी साथ में था, उनकी बहुत एडवर्टाइजमेंट करती थी,
जैसे आज के झूठे पादरी है ना कहीं जलंधर में, वो स्टेज के ऊपर बदरू से जकड़े बंदे को ला के माइक उसके मुंह में ठूस के उससे पूछते हैं क्या देख रहा है तू, तो बंदा बोलता है जी तुसी ते आग गो जी पास्टर जी, आपकी चेयर के चारों तरफ तो आग है, ऐसे फ्रॉड लोग हैं। परमेश्वर के सच्चे दासों की मशहूरी करती थी एडवर्टिजमेंट डेली ये दुष्ट आत्मा। तो वचन में लिखा है एक दिन प्रेरित पौलुस की आत्मा दुखी हो गई, वो कभी खुश नहीं होते बदरुओं से अपनी पब्लिसिटी खा के। परमेश्वर के सच्चे प्रेरित, परमेश्वर के सच्चे नबी, परमेश्वर के सच्चे दास, प्रेरित पौलुस उसकी तरफ मुड़ा और उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल गई। आपको मालूम ग्रीक में क्या वर्ड लिखा है वहां पे? न्यूमा पुथोन, पुथोन न्यूमा, जो लोगों को बताती है। आज भी ये रूहें हैं, अफ्रीका के कई पादरियों में काम कर रही हैं, उनके चेले हैं कई हमारे पंजाब के पादरी। जूजू और वूडू दो तरह का जादू होता है अफ्रीका में, पादरियों ने भी सीखा है और वो बड़े मशहूर पादरी बने हैं। लोगों की गाड़ी का लाइसेंस नंबर, प्लेट नंबर बता देते हैं कि आ गाड़ी का नंबर ये, बैंक बैलेंस कितना है, बैंक का अकाउंट नंबर बता देते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देते हैं, आ रहा हूँ तेरे घर में काले रंग, ये सब जूजू वूडू से देख लेते हैं। ये सनातन काल के परमेश्वर यहोवा जो लश्करों का खुदावंद, उसका रूह नहीं है, ये नोमा पुथोन है, अजगर का रूह है ये। प्रेरित पौलुस ने उसे निकाला और आपको मालूम लोग क्या कहने लगे कि ये हमें दूसरे देवताओं का प्रचार बताते हैं, हमारी डायना अर्मित्या देवी सबसे बड़ी है। उसके अंदर जो पुथोन न्यूमा था वो कंट्रोल किया जा रहा था जो फजा के अंदर बदरुए हैं, समझ रहे हैं आप, ये ऊपर से बदरुए इन्हें नियंत्रण कर रही हैं। पौलुस की बैटल हुई बहुत बड़ी और आपको मालूम मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया गया, पौलुस को मारा गया, अपरोर हो गया, राइट हो गए पूरे शहर के अंदर, दंगे फैल गए। प्रेरित पौलुस इवेंचुअली फिलिपियन की जेल में पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर का सच्चा बंदा जब जेल में क्या गया तो क्या हुआ, जेल के अंदर भूकंप आ गया, हालेलुया, भूचाल आ गया जेल के अंदर। ये है नोमा पुथोन, अलग अलग रूए हैं। मैंने आपको 2 साल पहले टीचिंग दी है, अलग अलग ग्रीक वर्ड निकाल के, अलग अलग हिब्रू वर्ड निकाल के, अरमिक वर्ड निकाल के पूरी विस्तार से शिक्षा दी है, हालेलुया। तो ये जो फॉल्स रिलीजन है ये है औरत, इट इज सिंबलाइज्ड बाय अ वुमन, और इट इज सिंबलाइज्ड बाय अ सिटी, शहर, इट इज सिंबलाइज्ड बाय ए सिस्टम, हालेलुया। तो जब कलीसिया उठा ली गई पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर के सच्चे भक्त ना रहेंगे, पवित्र आत्मा कलीसिया को ले जाएगा, तो शैतान के लिए कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं शैतान को, वो पृथ्वी पे आएगा। वचन में लिखा ही विल कम डाउन, मैंने आपको बताया 5 बार गिरना है शैतान का, 5 बार, 3 बार हो चुका है, 2 बार और गिरेगा, 5 different dimensions में गिरेगा शैतान। तो ढक्कन हटा लिया जाएगा, सब बंधन जो उसको रोकने वाले दूर हो जाएंगे, वो अपने झूठे साइन और वंडर दिखाएगा, लाइंग साइन एंड वंडर्स शैतान दिखाएगा, और पृथ्वी को, मैनकाइंड को वो डिसीव करेगा। अभी कुछ लोग ये किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि रोम नहीं है वो तो टर्की है। जोल रिचर्डसन की एक टीचिंग है, एक ज्यूइश बंदा है जोल रिचर्डसन, जो ये कंटेंड करता है कि ये जो शहर है, सिटी है, ये रोम नहीं है बल्कि मक्का है, और ये जो शहर है वो इस्लाम है, ये जो औरत है वो इस्लाम है, और वो भी कई आर्गुमेंट देता है, आर्गुमेंट कई देता है, लेकिन वो पूरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के अनुसार सटीक नहीं बैठते हैं, हालेलुया। इस्लाम एक कंपोनेंट होगा एंटी क्राइस्ट का, एक कंपोनेंट होगा, लेकिन ये जो शहर है, जो किंगडम है, जो सब कुछ होने वाला है, दैट इज द सिटी, दैट इज अ वुमन दैट सिट्स ऑन द 7 hills, द सिटी दैट इज सिचुएटेड ऑन द 7 hills, हालेलुया। तो ये है एक कलीसिया जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, रोम सिटी है, हालेलुया। तो वो कंटेंड करता है जोल ऑस्टीन कि उनके अंदर मक्का है, काबा है, काला पत्थर है, और खून के सेक्रीफाइस देते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे है वेनरेशन ऑफ सेंट्स, यहाँ पे है यूक्रिस्ट, यहाँ पे है अपरेशन ऑफ मैरी, यहाँ पे है अजम्पशन ऑफ मैरी, यहाँ पे बहुत सी फॉल्स और झूठी शिक्षाएं हैं जिनके विषय में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा, हम कुछ और सेशन करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कल के सेशन में कि ये जो औरत है वेश्या, ये बीस्ट के ऊपर बैठेगी, वो जंतु जब आएगा ये जंतु के ऊपर बैठेगी थोड़े समय के लिए, लेकिन जंतु क्या करेगा, इसका 17 का तीसरा वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। सो ही कैरिड मी अवे इन द स्पिरिट इन द इन टू द विल्डरनेस एंड आई सॉ वुमन सिट अपॉन अ स्कारलेट कलर्ड बीस्ट, जंतु के ऊपर बैठी है जो आने वाला है बीस्ट, उसके ऊपर बीस्ट क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल सिस्टम जो दुनिया में आने वाला, उस बीस्ट के ऊपर ये औरत बैठी है, फुल ऑफ नेम्स ऑफ ब्लास्फेमी हैविंग 7 हेड एंड 10 हॉर्न्स, ब्लास्फेमी के नाम लिखे हुए हैं, और क्या लिखा है यहाँ पे, 7 सिर हैं उसके और 10 सिंग हैं, और उन 10 सिंग में से एक छोटा सिंग निकलता है बाद में जो 3 सिंग को उखाड़ देता है। तो ये जो औरत है, जो नगरी है, ये जो ये सिस्टम है, ये पहले एंटी क्राइस्ट के लिए स्टेज सेट करता है, एंटी क्राइस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड के दुनिया के राजाओं को, यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन के किंग्स को, रशिया को, चाइना को, इन सबको अलाइनमेंट में लेके आएगा और उसके लिए जगह तैयार करेगा एंटी क्राइस्ट के लिए, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा उसको किंगडम ऑफर की जाएगी। तो 10 जो राजा निकलेंगे फिर यूरोपियन यूनियन से, और लोग हैरान होंगे बीच बीच में कि मसीह लोग कहाँ गए, व्हाट हैपेंड टू द क्रिश्चियंस, क्योंकि वो उससे पहले ही हवा में उड़ा लिए जाएंगे, यीशु मसीह उन्हें अपने संग ले जाएगा। तो लोग जब शैतान का 7 साल का राज्य आएगा, मैं कई बार कल्पना करता हूँ बहुत अलौकिक विचित्र और भयानक समय होगा, लोग आत्मिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे लेकिन गलत जगह ढूंढेंगे। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल होगा, बड़े मिरेकल साइंस और वंडर्स पैदा होंगे। मेरा ये मानना है कि रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से बहुत बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत काम होंगे। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जो हार्लट वर्ल्ड रिलीजन है, वन वर्ल्ड रिलीजन, इसका इनिशिएटर पोप होगा, रोमन कैथोलिक चर्च होगी। तो सुनिएगा, मैं आपको, जोआन कैरल क्रूज एक रोमन कैथोलिक स्कॉलर है, उसने एक बुक लिखी है यूकरिस्ट मिरेकल्स, यूकरिस्ट का मतलब होता है प्रभु भोज, प्रभु भोज के चमत्कार। रोमन कैथोलिक चर्च प्रभु भोज को एक बहुत बड़ा रिचुअल बनाती है जिसे मास कहते हैं, मास, जहाँ से वर्ड निकला है क्रिसमस, क्राइस्ट्स मास। रोमन कैथोलिक चर्च में वेफर्स लेते हैं कार्डिनल, पोप या प्रीस्ट, और वाइन लेता है और वो पर्दे के पीछे जाता है और इनकांटेशन करता है। इनकांटेशन का मतलब कुछ वचनों को बार 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 बोलता है, और बोलने के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ से उठ के आ गया नीचे, और यीशु मसीह का आत्मा समा गया उस वेफर में, रोटी के टुकड़ों में और ब्लड के अंदर, वो जो दाखरस है वो खून बन गया यीशु मसीह का, और वो जो रोटी है वो यीशु मसीह का मांस बन गई, और कुछ तो ये कहते हैं कि उस रोटी में से खून टपकने लगता है। तो बहुत ही मैजिकल टाइप, विचक्राफ्ट टाइप काम करते हैं ये। और क्या लिखता है उसके विषय में जोआन कैरल क्रूज के, लिखता है, सुने, ऑन न्यूमरस ओकेजन इन द हिस्ट्री ऑफ द चर्च, सुने ध्यान से, मैं उनकी बुक कोट कर रहा हूँ, ऑन न्यूमरस ओकेजन इन द हिस्ट्री ऑफ द चर्च गॉड हैज सीन फिट टू ऑफर मिरेकुलस विजिबल प्रूफ ऑफ द कैथोलिक टीचिंग दैट एट द सेक्रेड वर्ड ऑफ कॉन्सिक्रेशन। क्या कह रहा है मिस्टर जोआन क्रूज, कह रहा है कि जब प्रभु भोज होता है, हजारों बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि परमेश्वर ने मिरेकल किया है, अद्भुत मिरेकल किया है, क्या किया है,
visible proof of the Catholic teaching that at the sacred word consecration of all masses, the bread and wine upon the altar are truly changed into the body and the blood of Christ. कई बार प्रभु ने ऐसे किया है, ये लिख रहा है कैरल, जोआन कैरल, कि वो जो रोटी का टुकड़ा है उसके अंदर से खून निकलने लगा, वो मांस रियल बन गया, और वो जो वाइन थी, अंगूरों का रस था, वो यीशु मसीह का खून बन गया. और लिखा है जोआन कैरल क्रूज इक्रिस्टिक मिरेकल्स बुक रिकाउंट एज 36 सच मेजर मिरेकल्स. 36 उसकी जो बुक है यूकरिस्टिक मिरेकल्स, उसमें 36 ऐसी जगहों का जिक्र किया गया है जहां पे रोटी में से खून निकलने लगा. सुन रहे हैं आप? तो वो कहता है क्राइस्ट कम्स एंड गिव्स फिजिकल प्रेजेंस. मसीह खुद आता है, रोटी में समा जाता है और दाखरस में समा जाता है. और मिरेकल्स ऑफ विजिबल फ्लैश लेविटेशन एंड ब्लड ऊजेस. क्या कहता है कि कई जगह ऐसा हुआ कि वो रोटी के टुकड़े वो मांस में बन के हवा में उड़ने लगे, लेविटेट होने लगे, और उनमें से खून निकल रसने लगा, खून निकलने लगा. ये जोआन कैरल अपनी बुक में लिख रहा है ये बताने के लिए कि यूक्रिस्ट के मिरेकल कितने अद्भुत हुए हैं और आने वाले समय में होंगे. और फिर कहता है मिस्टीरियस लाइट कम्स टू कॉन्सिक्रेट द यूक्रिस्ट. और जब वो रोटी तोड़ के उस पर इनकांटेशन करता है प्रीस्ट ब्लड के ऊपर, दाखरस के ऊपर, रोटी के ऊपर, तो एक रोशनी चलने लग पड़ती है पीछे, मिस्टीरियस लाइट. ये है सुपर नेचुरल डिसेप्शन, पारलौकिक धोखा होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि लोग धोखा खा जाएंगे. आपको मालूम जब रेफरमेशन का पीरियड आया, रेफरमेशन का पीरियड क्या है, 8वीं सदी में ये शुरू हो गया 3री सदी से, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को मारती गई, दबाती गई, परमेश्वर के सच्चे दासों को. तो 8वीं सदी में मार्टिन लूथर नाम के बंदे ने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया. उसने एक थीसिस लिखा जिसमें उसने बहुत से सवालों का जवाब पूछा रोमन कैथोलिक चर्च से, रोमन कैथोलिक चर्च की झूठी शिक्षाओं को गटनबर्ग की एक चर्च के द्वार पे ऐसे कीलों से ठोक दिया, वो मार दिया जाता, लेकिन वो भाग भाग के बचा मार्टिन लूथर. तो जब रेफरमेशन हुई, आपको मालूम ये जो भाई और बहनों बाइबल है, ये बाइबल हमारे पास है, इसका अनुवाद नहीं होने देती थी रोमन कैथोलिक चर्च. ये लैटिन भाषा में थी, लातीनी भाषा में इसका अनुवाद नहीं हो सकता था. लैटिन भाषा को पवित्र भाषा माना जाता था, साधारण व्यक्ति पढ़ नहीं सकता था. पहले ऐसे बाइबल थी जो चेन के साथ बंधी हुई होती थी, लोगों को एक पन्ना पढ़ने की प्रिविलेज मिलती थी सिर्फ जीवन भर में. जरा सोचें, बहुत से परमेश्वर के महान दास कुर्बान हो गए, उनको मार दिया गया रोमन कैथोलिक चर्च ने, क्योंकि उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने का, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का यत्न किया. जॉन हस, विलियम टिंडल, मिस्टर विक्लिफ, इनकी पढ़े दास्तान, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स. मैं ये मानता हूँ हर मसीही घर में होनी चाहिए फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स, बड़ी फेमस किताब है, FOX apostrophe S, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स, जो रेफरमेशन से पहले पीरियड के मसीही शहीद लोग हैं जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च ने मारा है, उनकी सारी दास्तान लिखी हुई है उसके अंदर. तो रेफरमेशन पीरियड में बड़े बड़े परमेश्वर के दास मार दिए गए. आपको मालूम क्यों? सुनिए, जे सी रायल 1816 में पैदा हुए और 1900 में प्रभु में सो गए, परमेश्वर के दास. ये एंग्लिकन बिशप थे लिवरपूल लंदन के, लिवरपूल इंग्लैंड के एंग्लिकन बिशप. तो ये क्या कहते हैं परमेश्वर के सच्चे दास? ये कहते हैं, ही सेज प्रिंसिपल रीजन व्हाई आवर रेफॉर्मेशन वर बर्नड बिकॉज दे रिफ्यूज्ड वन ऑफ द पिक्यूलियर डॉक्ट्रिन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड दैट डॉक्ट्रिन हिंज्ड देयर लाइफ एंड डेथ. इफ दे रिफ्यूज्ड दे डाइड, इफ दे एक्सेप्टेड दे लिव्ड. कौन सी डॉक्ट्रिन थी? रोमन कैथोलिक चर्च जितने रिफॉर्मर थे, विलियम टिंडल, जॉन हस और अपने मार्टिन लूथर, इनसे और भी आगे थे कई बड़े बड़े परमेश्वर, जॉन हस
यूरोप के थे, इंग्लैंड के थे, बड़े बड़े स्कॉलरली लोग जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया। आपको मालूम उन्हें क्या पूछा जाता था? उन्हें पूछते थे, क्या तुम ये मानते हो कि यूकरिस्ट में, प्रभु भोज में जो रोटी है वो सचमुच में यीशु मसीह का मांस बनती है और उसमें से सचमुच में यीशु मसीह का लहू निकलने लगता है? इसे यूकरिस्टिक मिरेकल बोलते हैं वो लोग। तो अगर उन्होंने बोला हम रिफ्यूज करते हैं, हम नहीं मानते इसे, तो उन्हें जला दिया जाता था। अगर वो मान लेते थे तो उन्हें छोड़ दिया जाता। द डॉक्ट्रिन वॉज रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस इन बॉडली फॉर्म। फ्लैश के अंदर यीशु मसीह आता है, रोटी के अंदर यीशु मसीह घुस जाता है और ब्लड के अंदर यीशु मसीह घुस जाता है। एंड ही कम्स पर्सनली ईच टाइम ऑफ यूकरिस्ट। जब भी यूकरिस्ट लेता है प्रभु आता है। वचन में तो लिखा वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। एवरी मास, एवरी संडे क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द फादर। आपको मालूम दूसरा पत्रस एक अध्याय का 20 और 21 वचन में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, नो प्रोफेसी इज सब्जेक्ट टू प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। ये जो कलाम है इसके अंदर जो नबूवतें हैं इसकी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन मत करें, अपनी बुद्धि से इसका तर्जुमा मत करें। ये पवित्र आत्मा के द्वारा खोला गया कलाम है, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया, पवित्र आत्मा इसको खोलेगा। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। जैसे लोग करते हैं भविष्यवाणियाँ, रेंडम भविष्यवाणियाँ, जैसे चॉकलेट बांटते हैं, कैंडीज देते हैं, ऐसे भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई अभी सिर्फ यूकरिस्ट की। ये फॉल्स टीचिंग्स थी जिसकी वजह से परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों ने अपना जीवन दे दिया, पर उन्होंने झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। दूसरी है इमैक्यूलेट मैरी। इमैक्यूलेट कंसेप्शन तो हम मानते हैं, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ये मानती है परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी, परपेचुअल वर्जिनिटी, इमैक्युलेट मैरी। तो इमैक्युलेट मैरी क्या है? वचन में ये लिखा है कि यूसुफ ने तब तक मरियम को ना जाना जब तक वो यीशु मसीह को ना जनी, जब तक वो पवित्र आत्मा के पुत्र को ना जनी तब तक यूसुफ ने मरियम के संग कोई संबंध नहीं बनाया। रोमन कैथोलिक चर्च ये मानती है कि मरियम जो थी परपेचुअली हमेशा के लिए कुंवारी थी, वर्जन थी। मरियम का यूसुफ के संग कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, ये मानती है रोमन कैथोलिक चर्च। इमैक्युलेट वर्जिनिटी, परपेचुअल वर्जिनिटी ऑफ मैरी। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के भाई थे, यीशु मसीह की बहनें थी जो मरियम और यूसुफ से पैदा हुई। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च को जरूरी है मैरी को वेनिरेट करना, मरियम को देवी की जगह देना, मरियम को ऊपर उठाना और देवी की जगह देना। लेकिन लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय का 44 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लूका एक का 44, सुने ध्यान से। लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय और उसका 44 वचन सुने। लूका एक 44। हालेलुया। मैं आपके लिए ज़्यादा वचन पढ़ देता हूँ। लूका एक का 40 पढ़ता हूँ, 41 40। एंड एंटर्ड इन टू द हाउस ऑफ जकरायाज एंड सल्यूटेड एलिजाबेथ। यह मरियम है, जकरिया के घर में गई, एलिजाबेथ को शालोम कह रही है। एंड इट केम टू पास दैट व्हेन एलिजाबेथ हर्ड द सैल्यूटेशन ऑफ मैरी द बेब लीप्ड इन हर वूम एंड एलिजाबेथ वॉज फिल्ड विद द होली गोस्ट। तो क्या लिखा है? जब मरियम मिली एलिशबा से, उसकी पेट के अंदर बच्चा जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पड़ेगा बाद में, वो कूदा क्योंकि उसने यीशु मसीह की हजूरी को महसूस किया और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। एंड शी स्पेक आउट विद लाउड वॉइस एंड सेड ब्लेसेड आर दाउ अमंग वुमेन एंड ब्लेसेड इज द फ्रूट ऑफ थाई वूम। वो मरियम से कहती है तो स्त्रियों में धन्य है और धन्य है तेरी कोख का फल। एंड वेंस इज दिस टू मी दैट द मदर ऑफ माई लॉर्ड शुड कम टू मी। वो आत्मा से भर गई और वो जान रही है कि मेरा प्रभु यहोवा परमेश्वर, सनातन का यहोवा मरियम तेरी कोख में आया है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर की माता मेरे घर में आई है। 44 वचन, फॉर लो एज सून एज द वॉइस ऑफ दाई सैल्यूटेशन साउंडेड इन माई ईयर द बेब लिव्ड इन माई वूम फॉर जॉय। जैसे तूने शालोम बोला,
बच्चा मेरी कोख में उछला, आनंद से भर गया. एंड ब्लेसेड इज शी दैट बिलीवेथ फॉर देयर शैल बी ए परफॉर्मेंस ऑफ दोज थिंग्स विच वर टोल्ड हर फ्रॉम द लॉर्ड, कि वो बातें जो प्रभु ने तेरे को बताई हैं वो सब पूरी होंगी मरियम. और मरियम क्या कहती है, मरियम कहती है 46 वचन अपने लूका 1:46, एंड मेरी सेड माई सोल डोथ मैग्निफाई द लॉर्ड, मेरी जान यहोवा की स्तुति करती है. माई सोल डोथ मैग्निफाई द लॉर्ड, हालेलुया. एंड माई स्पिरिट हैथ रिजॉइस्ड इन गॉड माई सेवियर, और मेरी आत्मा आनंदित हुई मेरे परमेश्वर, मेरे इलोहीम और मेरे मुक्तिदाता में. मरियम मगदलीनी यहोवा को, मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान के उनकी पूजा कर रही है, उनकी उपासना कर रही है, उनकी स्तुति कर रही है, जबकि रोमन कैथोलिक चर्च मदर ऑफ गॉड उसे बता रही है. आपने शायद सुना नहीं होगा फातिमा के विषय में. फातिमा 1968 से 1917 में, एक्चुअली पीछे भी, गोइंग बैक पीछे भी ये फिनोमेना हुआ. फातिमा, इस पे रिसर्च करें, FATIMA, फातिमा. अपरेशन ऑफ मैरी एक और चीज़ है जिसके विषय में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा. फातिमा जो है वो एक इनकारनेशन है जो अभी आएगी और बड़े पैमाने पे रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा ये चीज प्रकट होगी. फातिमा और अपरेशन ऑफ मैरी के ऊपर एक और सेशन, अगर समय मुझे मिला, आज रात को करूँगा, और उसमें और कुछ हम सीखेंगे. परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की.